आपके साथ और वक्त हो चुका है आज के पांच के पंच का, तो शुरू करते हैं आज की पांच बड़ी खबरों के साथ। साइक्लोन मौका का शुक्रवार रात मध्य और इससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसका असर दुनिया के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप पर भी पड़ सकता है। वजह मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साइक्लोन के चलते अगर बाढ़ या लैंडस्लाइड होता है तो ये बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर स्थित रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप को तबाह कर सकता है। आम आदमी पार्टी के नेता सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा आज यानी शनिवार को दिल्ली में सगाई करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम दिल्ली के कपूरथला हाउस में आयोजित होने जा रहा है। दिल्ली में बॉलीवुड थीम पर रखी गई इस पार्टी में राघव चड्ढा डिजाइनर पवन सचदेव का की डिजाइन की गई अचकन पहनेंगे। वहीं परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड स्टार्स के डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डिजाइनर ड्रेस में दिखेंगी। एयर इंडिया प्लेन के कॉकपिट में अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाने के आरोपी पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं करने पर एयर इंडिया पर भी 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। घटना 27 फरवरी को दुबई से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 915 में हुई थी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने वाले मुंबई NCB के पूर्व चीफ समीर वानखेड़े के घर पर शुक्रवार को CBI ने छापा मारा। जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि समीर ने क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को न फंसाने के लिए 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। समीर के एक साथी ने इस मामले में कथित तौर पर 50 लाख रूपए लिए थे। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लिया है। सरकार ने उनके खिलाफ लगे सभी आरोप भी हटा लिए हैं। सरकार ने कहा है कि सस्पेंशन पीरियड को ऑन ड्यूटी माना जाएगा। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में परमवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया था।